प्रथम तहलका न्यूज और पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हां, पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आर्थिक अपराध शाखा ने ठगी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी अनिल भल्ला को 75 लाख की ठगी मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पंचकुला से आ रही है, जहां आर्थिक अपराध शाखा ने ठगी मामले में अनिल भल्ला को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी अनिल भल्ला को 75 लाख की ठगी मामले में गिरफ्तार किया गया है। इंस्टीट्यूट संचालक से आरोपी ने ठगे थे 75 लाख रुपए। आपको बता दें कि विदेश से करोड़ों का लोन करवाने के नाम पर यह ठगी की गई थी। आर्थिक अपराध शाखा के SHO राजीव मिगलानी ने इस बात को लेकर जानकारी दी और उन्होंने कहा कि ठगी के आरोप में अनिल भल्ला को अदालत में पेश किया गया और कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पंचकुला में आर्थिक अपराध शाखा ने ठगी के मामले में अनिल भल्ला को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अनिल भल्ला पर 75 लाख की ठगी करने का आरोप है और आपको बता दें कि इंस्टीट्यूट संचालक से आरोपी ने 75 लाख रुपए की ठगी की थी। विदेश से करोड़ों का लोन करवाने के नाम पर यह ठगी की गई थी। आपको बता दें कि आरोपी अनिल भल्ला के खिलाफ सेक्टर 5 थाना पुलिस ने IPC की धारा 120B, 420, 406 और 465 के तहत मामला दर्ज किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पंचकुला से आ रही। आपको बता दें कि ठगी के आरोप में अनिल भल्ला को अदालत में आज पेश किया गया और कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पंचकुला से आ रही है। वहीं आर्थिक अपराध शाखा के SHO राजीव मिगलानी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। केस में ना जी 420, 406 का केस पहले रजिस्टर हुआ था निचली स्टेज पे अनिल कुमार भल्ला के अगेंस्ट और एक दीपक कुमार के अगेंस्ट। फिर उसके बाद हमने एंटीसिपेटरी बेल लाई तो पुलिस ने इसको ऐड कर दिया 467 को भी। बीच में 467, 468, 471 IPC भी सेक्शन ऐड कर दी थी पुलिस ने। हमने एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी, वो हमारी एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो गई थी, हाई कोर्ट में लगाई थी तो वो आज लगी हुई थी, लेकिन कल पुलिस वालों ने उसको अनिल कुमार को अरेस्ट डाल दी उसकी, क्योंकि अनिल कुमार की अरेस्ट करके हमारा उमेद कुमार से जो जिस आदमी ने ये एलिगेशन लगाए हैं कि जी भी मेरे से इन्होंने 70-75 लाख रुपया ले लिया था काम करवाने का, जो भी लोन वगैरह जो भी है, उसको उनके पैसे हमने उनके खाते में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं रहा, वो आने को वो भी आ रहे हैं, कोर्ट के अंदर आ रहे थे, लेकिन जज साहब ने उससे पहले रिमांड दे दिया तो हमने कहा भी ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ हमारा आपस में हो गया है उनसे उनके साथ। एक और नाम भी आया है इसमें दीपक कुमार, दीपक कुमार जी उनका क्या रोल है? उनका ये है जी, वो एक्चुअली तो रोल दीपक कुमार का था, हमें तो उसने तो मिलवाया था, उसी पैसे तो एक्चुअली उसने देने थे, अनिल कुमार भल्ला के को बीच में बढ़ा दिया कि मतलब पैसे दीपक कुमार ने देने थे, दे दिया आप लोगों ने। अब क्या करें जी, अब अपनी जान तो छुड़वानी थी। अभी उमेश सिंह जी केस वापस ले रहे हैं, अमेर 100% हम क्वेश्चन डालेंगे कोर्ट के अंदर जी, हम इसकी क्वेश्चन डालेंगे हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया इसलिए। आपका नाम बताइए सर? मेरा जी NK नंदा, मैं एक्स प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। एक एक्यूज था FIR नंबर 94 में, उसमें एक एक्यूज को अरेस्ट किया गया तो जी अभी कोर्ट में पेश किया, रिमांड लिया 2 दिन का पुलिस रिमांड। सर क्या मामला था सर? इसमें लोन करवाने के नाम पर पैसे लिए गए थे। कितने करोड़ का घोटाला? करोड़ों में नहीं है, 75 लाख रुपीज़। तो कोई और एक्सक्यूज भी है इसमें जो? हाँ अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है।